मैं सृष्टि, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल फूड जंक्शन में। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिल रही हूँ, एक नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है चीजी मैगी। ये मैगी बाजार में आजकल बहुत चल रही है और सब लोग बाजार में इसको खाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाजार की बजाय आप इसे घर में कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बहुत ईजी है इसे बनाना। बट इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये मैगी के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको यहाँ पे कैप्सिकम्स चाहिए। ये कैप्सिकम है, मैंने इसको एक ऐसी डाइस शेप में काट दिया है, ऐसी शेप में आप काटिए। और ये एक चीज स्लाइस लिया है मैंने, चीज स्लाइस की जरूरत है और ये मैगी पड़ी है। चलो आइए अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है इसको बनाने के लिए। आइए देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको एक गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रखनी है, वो मैंने रख दी है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून एक ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को गरम होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। आइए देखिए अब आपको क्या करना है। मैंने तेल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कैप्सिकम डालूंगी। आप देखिए मैं इसके अंदर कैप्सिकम डाल दी है मैंने सारी, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी। इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट्स लगते हैं। मैं इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए छोड़ रही हूँ। आप देखिए अब आप देखिए मेरी कैप्सिकम शिमला मिर्च जो थी वो फ्राई हो चुकी है, मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें वाटर डालना है। मैं इसमें 3 से 4 कप पानी डाल रही हूँ। आप देखिए मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है, आप चाहे तो 3 कप भी डाल लीजिए, मैंने 4 कप पानी डाला है। अब मैं इसमें मैगी डाल रही हूँ। आप देखिए अब मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। अब आप देखिए मैंने मैगी और जो मैगी मसाला डाला था उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आपको मैगी को बॉयल होने देना है। आप एक काम कीजिए, मैं इसे गैस को थोड़ा सा कम करके इसे ढक के पका रही हूँ। आप देखिए मैं गैस को कम कर रही हूँ, गैस को कम करके आप इसे ढक के पकाइए। इसे 10 से 15 मिनट्स लगेंगे पकने में। 10 से 15 मिनट्स बाद हम इसे देखेंगे, सारा पानी हमारा सूख जाएगा, आपको हम दिखाएंगे। 10 से 15 मिनट्स के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने देखा, मैंने अपना वो ढक्कन उतार के देखा है, हमारी मैगी अच्छे से बन चुकी है। बस अब हमें इसमें एक फाइनल इंग्रेडिएंट्स डालना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। आपको ये अच्छे से क्रीम मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए गैस को चलाए रखना है। देखिए मैंने अपनी क्रीम मिक्स कर ली है और इसको 1 मिनट के लिए चला के रखा था। अब हमारी मैगी रेडी है। अब आप देखिए मैं इसे प्लेट में निकालने लगी हूँ। आप देखिए मैंने मैगी को प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं इसमें चीज स्लाइस डाल रही हूँ। इसमें आप थोड़ा सा ऑरेगानो छिड़क सकते हैं,
बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चीज स्लाइसेस का भी एकदम बाजार जैसा टेस्ट आता है। आप ये देखिए मैंने ऑर्गेनो भी छिड़क दिया है इस पे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत अच्छी हमारी मैगी एकदम रेडी है। ये बाजार जैसी स्टाइल की मैगी आप घर पे बना सकते हैं। आपने देखा इसे बनाना कितना इजी था। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं सृष्टि, आज के लिए इतना ही।